नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से द हाइट एच एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी विल बी द सेम एज दैट एट द सेम डेप्थ एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ और आर अपना रेडियस ऑफ अर्थ है और हम ये कहा गया है कि अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कैन बी नेग्लेक्टेड नाउ सिंपल सवाल है ग्रेविटेशन का सो so, स्नैरियो कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए ये आपका प्लानेट अर्थ जिसका रेडियस आर ही और आप यहाँ से लेटस uh, से किसी सिग्निफिकेंट हाइट एच पे गए हैं सो so, यहाँ इस एच हाँ हाइट पे जब आपने एम जी वन इसका वेट लिया और किसी डेप्थ एच एच पे गए हैं तो यहाँ जो आपका वेट एम जी टू आएगा ये दोनों हमें बराबर करना है तो so, नाउ इस केस में जो आपका जीवन और जी टू की वैल्यू होती है जो अपने फॉर्मूले ऐसे है कि एच हाइट पे और आपकी एच हाँ डेप्थ पे जो वैल्यूज होती हैं उसको लिख लेते हैं तो जो आपका जीवन आएगा यहाँ पर देट विल इक्वल टू जी वन प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर नाउ यहाँ पे एक और फार्मूला होता है जिसको कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज़ कर जाते हैं जी डैश जी वन माइनस टू एच बाय आर ई ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होएगा ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपका एच आपका आर ई के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तब उसको यूज़ करते हैं इसको हम जब क्लास में पढ़ते हैं इसको मैं कहता हूँ नकली फार्मूला ये आपका असली आ, असली घी है वो डालडा है वगैरह तो ये वाली ही आपकी वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे नाउ दिस शुड बी इक्वल टू जो अपना डेप्थ पे फॉर्मूला होता है जिसको हम कहेंगे जी टू जी वन माइनस एच बाय आर ई अब इसको और इसको दोनों एक्सप्रेशन को हमने आ, बराबर कर देना है तो आपका दोनों केसेस में वेट बराबर हो जाएगा ना दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका जी uh, इस दोनों को इक्वेट करेंगे कैंसिल हो जाएगा सो वन प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू वन माइनस एच बाय आर ई इस टर्म को उधर ले जाएं। सो दिस एम्प्लाइज दिस विल बी इक्वल टू वन विल बी इक्वल टू वन प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर वन माइनस एच बाय आ रर ई ना यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सो so, ये हो जाएगा वन प्लस एच बाय आर ई इसी को दो बार हमने लिख लिया लिखने का फायदा ये है कि इससे हम इसको और इसको यूज़ करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म यूज़ कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू वन विल बी इक्वल टू वन माइनस एच बाय आ ई ये दोनों स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एच बाई आ ई राइट अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू वन विल बी इक्वल टू इसको पहले वन से मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा वन प्लस एच बाई आर ई प्लस अब इसको मल्टीप्लाई है करते हैं तो ये आएगा आपका माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब ये आपकी वैल्यू बन जाएगी ना कंसिस्ट अच्छा ये वन आपका वन और वन ये कैंसिल हो जाएगा एक काम और करते हैं इसको हरी क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को सो so, हरी क्यूब से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे लेट्स डू इट हेयर सो हरी क्यूब से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो so, ये आपका बन जाएगा आ, एक काम करते हैं आ, ये आ जाएगा ज़ीरो विल बी इक्वल टू आ, ये बनेगा आपका एच आर ई स्क्वायर इसको आपने आर ई क्यूब से मल्टीप्लाई किया माइनस ये बना आपका एच स्क्वायर आर ई और ये बनेगा माइनस एच क्यूब इज इक्वल टू जीरो आते हैं ना इस इक्वेशन को फर्दर uh, सॉल्व करने के लिए इसमें से हम माइनस एच कॉमन ले लेते हैं सो माइनस एच हमने कॉमन लिया ये बनेगा एच स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका आर ई एच प्लस आर ई एच माइनस आर ई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो नाव इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है एच की वैल्यू आ रही है दिस uh, uh, इसको जीरो होने के लिए या तो ये टर्म जीरो होनी होगी या फिर ये टर्म ज़ीरो होनी होगी ये टर्म जीरो होने का मतलब है एक ऑप्शन आपका एच की वैल्यू जीरो भी है यानी कि आप जीरो हाइट पे जाएं और जीरो डेप्थ पे जाएं तो भी आपको एक आंसर मिल जाएगा एच विल बी इक्वल टू जीरो दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं ये हमने बचपन में पढ़ाई है कि जब भी अपनी इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो उसके रूट जो होते हैं एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड टू ए ये आपके रूट्स आते हैं टेंथ में पढ़ा है फटाफट रिवाइज हो गया सो विच मीन्स आपकी जो एच की वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस आर ई प्लस माइनस अंडर रूट आर ई स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस आर ई स्क्वायर यानी ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू सो विच एम्प्लाइज एच की जो वैल्यू हो गई नाउ यहाँ पे अच्छा इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं दिस विल बी इक्वल टू माइनस आर ई प्लस माइनस रूट फाइव आर ई इसमें आर ई स्क्वायर बनेगा उसको हम बाहर ले आएँ डिवाइड बाई टू विच एम्प्लाइज एच अच्छा एच की वैल्यू यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेंगे उस नगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे सो दिस विल भी इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आर ई ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी माइनस वाली टर्म हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया नाउ दिस मीन्स अपना ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर